जो भी शिक्षक BPSC हो या नियोजित 6 दिवसीय ट्रेनिंग किए हैं तो अपना सर्टिफिकेट ई शिक्षा कोर्स पर अपलोड कर दीजिए। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और सर्च करना है ई शिक्षा कोर्स। ई शिक्षा कोर्स सर्च करने के बाद आपको ई शिक्षा कोर्स ऊपर ही दिख जाएगा। ई शिक्षा कोर्स को क्लिक कीजिए और नीचे आइए थोड़ा स्क्रॉल करके और ई शिक्षा को क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके नीचे 4 ऑप्शन आएगा, टीचर, स्कूल, ऑफिशियल और अदर। आपको टीचर पर सेलेक्ट करना है और अपना टीचर ID जो भी है बनाए हैं, जो भी मिला है टीचर ID वो डालना है। टीचर ID डालने के बाद आप जो भी पासवर्ड बनाए होंगे अपना वो पासवर्ड डालिए। पासवर्ड डालने के बाद नीचे है ये कैप्चा कोड, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे 8 8 64, इसको आपको लिखना है नीचे, 64 लिखना है। उसके बाद नीचे आके साइन इन पर क्लिक करना है। ऊपर वाले देख लीजिए, साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करते ही आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर डैशबोर्ड में है डैशबोर्ड, स्टूडेंट नंबर, टीचर, राइज टिकट, नोटिफिकेशन, टीचर ट्रेनिंग। आपको सबसे अंतिम में आना है टीचर ट्रेनिंग में। ऊपर आपका नाम भी दिखेगा, TRE 1 में है कि TRE 2 में, ये सभी दिखेगा। आपको यहाँ आना है टीचर ट्रेनिंग में, सबसे अंतिम वाला में टीचर ट्रेनिंग में आना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ 3 डॉट ऊपर दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए 3 डॉट पर। उसके बाद आइए ट्रेनिंग डिटेल्स, इस पर क्लिक कीजिए, फिर से 3 डॉट पर क्लिक कीजिए। आपको ऐड वाला ऑप्शन पे आना है, व्यू नहीं, ऐड पे आना है। देख लीजिए ऐड वाला ऑप्शन पे आना है। आप वहाँ चुनिए कौन सा ट्रेनिंग किए आप, FLN किए हैं या क्या किए हैं, उसके बाद किस डेट में किए हैं उस डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ से किए हैं वो महाविद्यालय का नाम लिख लीजिए। उसके बाद है अपलोड सर्टिफिकेट, इस पर आइए और चूज फाइल को क्लिक कीजिए। उसके बाद आप मीडिया पिकर पर आ जाइए और वो सर्टिफिकेट को पहले से फ़ोटो क्लिक करके रख लीजिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको क्लिक कीजिए। एक बार ऊपर नीचे करके देख लीजिए सारा डिटेल सही है या नहीं है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको आएगा यस कर दीजिए। उसके बाद आपका ये सक्सेसफुली हो जाए वीडियो।